वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने WhatsApp पर यदि कोई भी फैमिली फ्रेंड या फ्रेंड है उसने क्या किया हुआ है, अपना लास्ट सीन को हाइड कर चुका है, ऑफ कर चुका है, तो आप आसान तरीका से तब भी आप देख सकते हैं कैसे। आप इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ रामबीन यादव। आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और चलिए चलते हैं, मैं लाइव डेमो बताता हूँ कि कैसे अगर उसने ऑफ कर चुका है अपना WhatsApp का लास्ट सीन दिखाना, तो आप देख सकते हैं कैसे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, मैं लाइव डेमो दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरा पहला WhatsApp अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका यहाँ पर लास्ट सीन का ऑप्शन क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। ऑफ करने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्राइवेसी पर जाएंगे और यहाँ पर से लास्ट सीन को नोबडी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेट हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लास्ट सीन ऑफ हो चुका है। अब दूसरे अकाउंट यहाँ पर खोलेंगे, ठीक है, दूसरा WhatsApp अकाउंट से यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ लास्ट सीन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका हम नहीं देख सकते हैं, इसका लास्ट सीन ऑफ हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसके देखने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। यह इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। आप यहाँ पर आइएगा प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च करिएगा फैमिली ट्रैक, ठीक है। यहाँ पर फैमिली ट्रैक नाम का ऐप है, इसको सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको ओपन करके बताता हूँ मैं कि कैसे आप यहाँ पर से लास्ट सीन देख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का एक आइकन है, इस पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा आएगा, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि फ़िलहाल मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर तो पहले नाम डाल लेते हैं, ठीक है। नाम डालने के बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए फ़िलहाल नाम टेस्ट नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया, ठीक। यहाँ पर हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है इंडिया, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ठीक, जिस WhatsApp का यहाँ पर चेक करना है, ठीक, उसका यहाँ पर डाल देना है, ठीक। यहाँ पर हमारा WhatsApp यहाँ पर डाल चुके हैं, WhatsApp नंबर यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइमर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वाला WhatsApp अकाउंट हम ओपन करेंगे जिसमें लास्ट सीन हमने ऑफ किया था। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ है। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम उस ऐप में जाएंगे, ठीक, उस ऐप में जाएंगे और देखेंगे कि कब बता रहा है कि लास्ट सीन कब का दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम दिखा रहा है ऑनलाइन फॉर 21 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर कब ऑनलाइन हुआ था, कब, यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है। टाइम भी यहाँ पर 21 सेकेंड के लिए हम ऑनलाइन हुए थे पहले वाले अकाउंट से। तो दोस्तों ऐसे करके आप लास्ट सीन हाइड भी है किसी का, तब भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो कब कब ऑनलाइन हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक, ठीक है। तो इसी ट्रिक्स को आप उपयोग करके आप देख सकते हैं किसी भी फैमिली का या फ्रेंड का WhatsApp नंबर कब कब ऑनलाइन होता है, ठीक है। वो लास्ट सीन देख सकते हैं एकदम आसान तरीका से, ठीक। इस एप्लीकेशन को आप आसानी से यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था आपको कि कैसे आप देख सकते हैं लास्ट सीन हाइड है तब भी, ऑफ है तब भी, आप कैसे देख सकते हैं किसी के WhatsApp नंबर पर। तो दोस्तों सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य है और सपोर्ट करना आपका काम है, ठीक है। तो आप क्या करें, हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।